Thank mm -hmm. you. नमस्कार दोस्तों मेरा नाम ऋषि वर्मा मैं फिफ्थ जनरेशन ज्वेलर हूँ गाइज़ आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक को आती है जब भी लोग ट्रैवल करते हैं या अपने घर में ज्वेलरी रखते हैं तो वो बहुत ही गलत तरीके से रखते हैं मैं देखता हूँ हमेशा लोग ज्वेलरी कस्टमर्स लेके आते हैं वो टूटी हुई होती है उस पर स्क्रैचज़ज़ज़ज़ लगे हुए होते हैं और बहुत ही गलत कंडीशन में होती है ब्यूटिफुल एक्सपेंसिव ज्वेलरी आप वेस्ट मत कीजिए आपके पास फ़ोन है जिसकी वैल्यू फोटी फ़िफ्टी है और आप उसको इतना संभाल के रखते हैं उसको गिरने नहीं देते हैं उस पर स्क्रैचेज़ नहीं आने देते हैं पर जब ज्वेलरी की बात आती है तो आप उसको सब कुछ उठा के एक ही जगह में रख देते हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है तो मैं आपको कुछ आज हैक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ज्वेलरी रख सकते हैं प्रॉपरली अपनी ज्वेलरी को किसी भी अच्छे बॉक्स के अंदर जैसे मैं आपको अब आप बॉक्स दिखाऊंगा देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ज्वेलरी बॉक्स तो ऐसे बॉक्सेस आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे और भी बहुत सारी जगह अवेलेबल है आई एम सॉरी मैं आपको ये बॉक्स नहीं दे पाऊँगा बिकॉज यू लिव फार अवे हम लोग ऐसा बॉक्स यूज़ करते हैं अब वेडिंग कस्टमर्स को देने के लिए तो ऐसे इसके अंदर रिंग्स रखने की जगह बनी हुई है और एयर रिंग्स की जगह बनी हुई है एम स्पेस है बीच के अंदर कुछ भी रखा जा सकता है इसमें एक और ट्रे है जिसके अंदर बेसिकली आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान अपना रख सकते हैं प्रॉपरली रखा जा सकता है एंड लास्ट uh, इसके अंदर ये चेंस के लिए अलग से बॉक्स दे रखा है इसमें चेंज रखते हैं और इसके नीचे बैंगल्स के लिए दे रखा है सो so, सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर फिट आ सकती हैं आई रिक्वेस्ट यू कि आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है तो उसके अंदर भी एक दूसरे के ऊपर सामान रख मत रखिए एक दूसरे के ऊपर सामान रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा टूट जाएगा सेकेंडली कुछ इस तरह के पाउचि अवेलेबल होते हैं आपको यूजुल ज्वेलरी स्टोर्स के ऊपर ये मिल जाएंगे सो so आप ज्वेलर को पूछिए कि यह मुझे पाउच दे दीजिए और उसको मैं यूज़ करके उसके अंदर ज्वेलरी रखना चाहता हूँ जब भी आप ट्रैवल करते हैं सो मेक श्योर ऐसे ऐसे इंडिविजुअल पाउचेस के अंदर इंडिविजुअल सामान ही रखिए तो एक छोटा पाउच होगा जिसके अंदर आपके ईयर आ जाएंगे एक छोटा पाउच होगा जिसके अंदर आपका नेकलेस आ जाएगा आई रिक्वेस्ट यू नेकलेस को ऐसे मत रखिए जैसे मैंने रखा है इसके अंदर सो so ये बहुत ब्यूटीफुल एक्सपेंसिव नेकलेसिसज होते हैं जैसे ये डायमंड नेकलेस है एंड इसको आप ऐसे रखेंगे तो बहुत खराब हो जाएगा इसके लिए बेसिक क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाता हूँ कि इसको कैसे रखा जाए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं सो so दैट ये टूटे नहीं मुड़े नहीं कुछ भी इसको साथ इसके साथ कुछ गलत ना हो तो अगर आपको नेकलेस रखना है तो ऐसे कार्डबोर्ड्स आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे ये तो यूजुअली ज्वेलरी स्टोर्स पे ही मिलेगा बट आप बेसिकली कोई भी कार्डबोर्ड लेकर उसके ऊपर ऐसे नेकलेस लगा सकते हैं और उसको ऊपर से टेपिंग करके या फिर उसके ऊपर क्लॉथ रैप करके उसको प्रॉपर्ली फिक्स करके अपने बैग में ऐसे नेकलेसेज रख सकते हैं जो फ्लैट नेकलेसेज हैं अगर मैं चोकर की बात करता हूँ जो ब्यूटिफुल चोकर होते हैं उसके लिए एक और सोल्यूशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं सो so, अगर आप लॉकर के अंदर ज्वेलरी रखना चाहते हैं तो इस तरह के लॉकर बॉक्स जैसे मैंने आपको बताया ज्वेलर के पास अवेलेबल होते हैं मेक श्योर कि आप इस तरह के प्लास्टिक पाउचेस लेके इसको आप जिप पाउचेस भी बोलते हैं इस तरह के प्लास्टिक पाउचेस में ही अपनी ज्वेलरी लॉकर के अंदर रखें बिकॉज लॉकर के अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर आपकी ज्वेलरी को ख़राब कर देता है case, वो ज्वेलरी सिल्वर है तो टार्निश हो जाएगी अगर पोलकी है तो उसका पोलकी का कलर ब्लैक हो जाएगा कुंदन है तो उसका कलर भी ब्लैक हो जाएगा सो मेक श्योर आप जब भी उसको अलमरिया में रख रहे हैं लॉकर में रख रहे हैं तो इस बॉक्स में प्लास्टिक के अंदर रैप करके ही रखें इन केस आपको प्लास्टिक नहीं अच्छा लगता आप प्लास्टिक के अगेंस्ट हैं तो बहुत सारे मॉइस्चर बॉक्सेस आते हैं जो आप एयर के अंदर से मॉइस्चर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं और सारा मॉइस्चर उठाकर बेसिकली uh, उसके अंदर पानी भरता चला जाता है तो आप वो अमेज़ॉन से या कहीं से ख़रीद सकते हैं और वो अपने लॉकर में रख सकते हैं जिससे आपकी ज्वेलरी टार्निश ना हो और उसका कलर ख़राब ना हो दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारी चेन्स है और वो हमेशा आप जब भी उनको निकालते हैं वो मिक्स हुई हो होती है और आपको उसको खोलने में टाइम लग जाता है सो तो ये दूसरा ऑप्शन है आप ऐसी ऐसी स्ट्रॉज पेपर स्ट्रॉज बना सकते हैं और उसके अंदर रैप करके अपनी अलग अलग चेन्स को रख सकते हैं ऑल्सो अगर आपको ड्रेसर पे ज्वेलरी रखना पसंद है अपने किसी कांच के बोल के अंदर या ओपनली तो इट्स अ बैड आइडिया बिकॉज एक तो आपकी ज्वेलरी ख़राब हो रही है ह्यूमिडिटी के कारण और वो ब्लैक हो जाएगी सिल्वर है तो टार्निश हो जाएगी और दूसरा चोरी होने का भी डर है तो अगर आपके घर में लोग हैं बाहर से आते जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजी कैच है उनको ज्वेलरी वहाँ से उठाना और अपनी पॉकेट में रख के गायब हो जाना एंड इवेंचुअली आप उसको ढूंढते ही चले जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सो मेक श्योर आपका अच्छा लॉकर बॉक्स यूज़ करें या फिर कोई भी लॉकर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप छोटे छोटे लॉकर्स आते हैं विद पिन कोड आप वो ऑर्डर कर सकते हैं और उसमें अपनी ज्वेलरी सेफली रख सकते हैं परफ्यूम और ज्वेलरी बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है सो अगर आप ज्वेलरी पहनने के बाद परफ्यूम लगा रहे हैं तो आपकी ज्वेलरी ख़राब हो सकती है बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ज्वेलरी आती है जो परफ्यूम से डैमेज हो जाती है सो मेक श्योर आप जुलरी री पहनने के बाद परफ्यूम मत लगाएं पहले परफ्यूम लगाएं उसको ड्राई होने दीजिए उसके बाद ज्वेलरी पहने ताकि ज्वेलरी पे कोई इंपैक्ट ना आए ज्वेलरी खराब ना हो आपकी एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है इन केस आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपनी ज्वेलरी देखते हैं कि यार ये ज्वेलरी तो बहुत ही खराब हो गई है गंदी दिख रही है और डायमंड ज्वेलरी है आपके पास या बिना कुंदन की बिना पोलकी की ज्वेलरी है क्योंकि अगर आप पोलकी की ज्वेलरी के साथ ये सब करने वाले हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसको ठीक करने के लिए उसकी फिनिशिंग बेटर करने के लिए तो पोलकी की ज्वेलरी आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी तो अगर आपके पास डायमंड ज्वेलरी रही है जरकॉन ज्वेलरी है तो आप उसको कोक ले सकते हैं कोई भी सोडा ले सकते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं और उसके अंदर डिप कर सकते हैं टू थ्री आवर्स के लिए वो बेसिकली जितनी भी उसके अंदर मैल होगी वो सारी निकाल देगा बाहर गाइज अगर आपने सिल्वर ज्वेलरी की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया है सिल्वर ज्वेलरी को कैसे क्लीन करते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन दिस लिंक आप पूरा उसको वीडियो को देखिए समझिए एंड यू विल बी हैप्पी टू सी दैट सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एक छोटा सा मुझे दो मिनट का समय दीजिए और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है मेरी कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया क्या सोशल कॉज है उसके पीछे सो so आप इसको वीडियो को देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई वुड रियली अप्रीशिएट थैंक यू सो मच नमस्ते